नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे, और इसके साथ ही जो ड्राइंग के अंदर हम सिंबल्स यूज़ करेंगे कॉन्टैक्टर के लिए या MCB के लिए, उसके बारे में आपको एक ब्रीफली इसमें जानकारी देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके उस कमेंट का आपको जवाब दें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बेसिकली चार मेन पार्ट्स में डिवाइड की होती है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है पैनल व्यू। हमारे पैनल व्यू में इसमें ये बताया जाएगा कि हमारा पैनल व्यू दिखने में कैसे होगा, उसका साइज वगैरह क्या होगा, उसका साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बॉटम व्यू। कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम आपको पैनल के इंटरनल व्यू के बारे में इसमें बताया जाएगा कि इंटरनल व्यू में जो हमारा मटेरियल है यानी कि जो BOM है वो क्या क्या लगा होगा, उसकी सिमेट्री कैसे कैसे बनी होगा। जो इस ड्राइंग का तीसरा पार्ट होगा वो होगा पावर डायग्राम। इसमें पावर डायग्राम के बारे में बताया जाएगा, उसकी सिमेट्री के बारे में बताया जाएगा कि हमने उसमें कॉन्टैक्टर की वायरिंग कैसे की हुई है, और उसमें हम SPP जहाँ जो एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर लेंगे हम उसकी वायरिंग कैसे। मेन पार्ट होता है ड्राइंग का वो होता है कंट्रोल डायग्राम। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग का पहला पार्ट होता है वो होता है पैनल व्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें हमने एक छोटा सा पैनल का व्यू आपको दिखाया हुआ है, पैनल का व्यू दिखाया हुआ है। जैसे कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में हम जो ये सिंबल होगा आपका, ये इंडिकेशन का सिंबल है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम RYB टॉप पे हमने मेंशन किया हुआ है, और इसके साथ ही हम कंपेयर वोल्टमीटर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडिकेटर लिए हुए हैं। एक हमने ऑटो मेनू का सिलेक्टर लिया हुआ है, दो हमारे पुश बटन है, और एक हमारा इमरजेंसी है। तो ये हमारे पैनल का व्यू हो गया, जिसमें हमने इसकी आपको हाइट बता दी है 500 mm। ये हमारी 500 mm की हाइट है, और अगर हट के साथ चले तो ये 600 mm रहेगा, और इसकी जो विड्थ है वो हमारी 600 mm की है। और इसमें एक साइड व्यू दिखाया गया है। साइड व्यू में हमने इसमें ये मेंशन किया कि यहाँ पे एक अर्थिंग की स्ट्रिप रहेगी, और अगर हम इसका जैसे का लेफ्ट व्यू में भी अर्थिंग और राइट साइड भी हमें एक अर्थिंग की स्ट्रिप चाहिए। उसके साथ ही ये बॉटम व्यू बताया हुआ है, और बॉटम व्यू के साथ इसकी डेप्थ शो हो गई है 200 mm। पहले की जो डेप्थ है वो 200 mm है। और ये इसमें चार होल दिए हुए हैं जो हमारी इनलेट और आउटलेट होगी, और ये हमारा बॉटम व्यू है। दोस्तों, ये हमारे पैनल का इंटरनल व्यू होगा, उसका भी हमने इसमें आपको मेंशन किया है कि जैसे इसमें दो सिंगल पोल की MCB ली हुई है, एक इसमें SPP लिया हुआ है, और इसके साथ ही K1 K2 कॉन्टैक्टर लिए हुए हैं। ये ओवरलोड है, इसमें 5 हमारी ग्लास रिले है। ये ग्लास रिले का सिंबल है, ये कॉन्टैक्टर का, ये ओवरलोड का सिंबल है, ये MCB का सिंबल है, ये SPP का सिंबल है, ये हमारी 4 पोल की जो मेन MCB होगी उसका सिंबल है, ये हमारे कनेक्टर है, जो टर्मिनल रहेंगे जो हमारे मोटर्स को केबल जाएगी कॉन्टैक्टर के थ्रू, ये उसके टर्मिनल है, ये हमारा थर्मोस्टेट है, और ये हमारा पैनल हीटर है। दोस्तों, जो ये आप ड्राइंग देख रहे हो, ये इसकी मेन पावर की पावर का डायग्राम है, जिसमें RYB न्यूट्रल हमें 3 4 वायर 3 फेस 4+ न्यूट्रल हमें पावर सप्लाई से मिल रहा है, जो हमारा सबसे पहले MCB में जाएगा। ये हमने 16 एम्पीयर की 4 पोल MCB ली हुई है RYB और न्यूट्रल के लिए। उसकी जो आउटपुट होगी, जो उसकी आउटपुट है, पहले हम बात करते हैं स्टेट की। तो इसकी जो MCB की आउटपुट है वो हमारी सीधी C1 C2, यानी कि हमने एक 12 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर एक लिया हुआ है, 12 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर दूसरा लिया हुआ है। जो ये हमारा डायग्राम है, ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर के लिए, तो हमने C1 C2 दो कॉन्टैक्टर ले लिए हुए हैं। इन दोनों को आप नीचे से लूप करके एक ओवरलोड ले ली हुई है, और ओवरलोड की जो आउटपुट है वो हमारी 2 HP की, जो हमारी 2 HP की मोटर है उसको चाह रही है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमारे फ्यूज़ के थ्रू होते हुए हमारे RY इंडिकेटर को RYB जा रहा है, और न्यूट्रल भी जा रहा है। इसके साथ ही 3 फेस हमारे SPP के लिए भी जा रहे हैं, और उसके साथ ही हमारे एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर को भी हमारे 2 फेज जा रहे हैं, उसको सप्लाई ऑन कराने के लिए भी हमारे 2 फेज जा रहे हैं। और इसी के साथ ही हमने एक CT ली हुई है 30/5 की, जिसके हमारे S1 S2 वाले जाके हमने अपने एम्पीयर मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो इसमें आपको ये हमारी पावर का डायग्राम होगा। उसके साथ ही हमने एक थर्मोस्टेट और स्पेस हीटर लिया हुआ है। दोस्तों, थर्मोस्टेट और स्पेस हीटर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं इसके लिए बता दूं, वैसे इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको छोटी सी इसके बारे में बता देता हूं। जो हमारा स्पेस हीटर होता है वो हमारे पैनल के अंदर लगता है, ताकि जो हमारे अंदर पैनल के अंदर जो भी मॉइस्चर है उस मॉइस्चर को ये हीटर
ख़त्म कर देगा। तो ये हमारी पावर का एक डायग्राम हो गया। दोस्तों जैसे कि आप पढ़ रहे हो ये 220 वोल्ट का इसी सर्किट है हमारा, ये हमारा कंट्रोल डायग्राम है। तो इसमें जो कंट्रोल डायग्राम है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जी हमने एक फेस आर फेस लिया जो हमारा सिंगल पोल की एमसीबी पे गया, जो मैं यहाँ पर सिंगल पोल एमसीबी लिया 6 एम्पीयर की, जो उसकी आउटपुट है वो आउटपुट हमारी एसपीपी के कॉमन पे जा रही है, ठीक है। और ये हमारा कॉमन है, ये दोनों पॉइंट हमारे कॉमन है। और यहाँ से एसपीपी के कोई हमारा जो एनयू रहेगा उससे हमारा इंडिकेटर को चली जाएगी, और जो एनसीसी है उससे हमारा आगे का पाथ बन जाएगा। और एसपीपी का इसमें क्या यूज़ है कि जैसे ही हमारा एसपीपी ट्रिप करेगा, ट्रिप करते ही हमारा ये सिस्टम एनयू बन जाएगा और ये हमारा एनसी बन जाएगा। इसकी एनसी बनती है हमारा ये सिस्टम, हमारा जो इंडिकेटर वो ऑन हो जाएगा और हमें मेंशन हो जाएगा कि जो हमारा एसपीपी वो ट्रिप कर गया है और ये हमारा एनयू बन जाएगा। और अगर हमारा सिस्टम हेल्दी रहेगा तो ये हमारा एनसी बना रहेगा और इससे आगे जो हमारी सप्लाई होगी वो हमारी ओवरलोड पे जाएगी, ओवरलोड के बाद उसके कोमर भी जाएगी, उसके आउटपुट में हमारा 5 नंबर हमें मिलेगा, वो हमारे सिलेक्टर के कोमर पे चला जाएगा। ये हमारा सिलेक्टर का सिंबल है जिसमें ऑटो और मैनुअल दो कनेक्शन ली हुई है। ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा जो आपको मैं जो ड्राइंग दिखा रहा हूँ, ये हमारी फॉरवर्ड रिवर्स का एक स्टार्टर है, ये उसका डायग्राम है। तो ये हमारा दो कंडीशनों से इसको हम चला रहे हैं, मैनुअल और ऑटो। अगर हम इसको मैनुअल करेंगे, इस साइड करेंगे, तो जो हमारा सिस्टम है जो हमारे पैनल के ऊपर पुश बटन लगा हुआ है स्टार्ट अप और डाउन के लिए, उसके थ्रू हमारा सिस्टम चलेगा। और अगर हम ऑटो पे लेके जाएंगे तो जो हमारा सिस्टम है वो हमारा पीएलसी के थ्रू चलेगा। पीएलसी की जो डायग्राम है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे इसको बनाया हुआ है, उससे आपको ये सारा समझ आ जाएगा। जब हम इसको मैनुअल और उसके साथ ही जो एसपीपी के बाद हमारी वायर निकलेगी 4 नंबर, उस 4 नंबर को मैं अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, जैसे लिमिट स्विच के कॉमन में। इसमें हमने 2 लिमिट स्विच लिए हुए हैं, जो मेरा पहला लिमिट स्विच होगा वो मेरा फॉरवर्ड के कॉन्टैक्टर को ऑफ करवाएगा, और हमने जो लिमिट स्विच सेकंड वाला लिया हुआ है वो हमारे रिवर्स के सिस्टम को बंद करवाएगा। जैसे कि मैंने इसमें नीचे मेंशन भी किया हुआ है, ये हमारा कॉन्टैक्टर 1, ये हमारा कॉन्टैक्टर 2 है, ये हमारी ग्लास सील है, ये हमारा फुली ओपन इंडिकेटर, यानी कि ये जो ग्लास सिले है, ये जो हमारा लिमिट स्विच है, जैसे ही ये लिमिट स्विच एक्टिवेट होगा ये हमारी इस ग्लास सिले को ऑन करवाएगा। इस ग्लास सिले के ऑन होते ही हमारा ये सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी इंटरलॉकिंग ली हुई है। और जैसे ही ये हमारी ऑन होगी हमारा ये एनसी बन जाएगा इसका एक पॉइंट, और हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाएगा जो हमें ये मेंशन करेगा कि जो हमारा सिस्टम है फुली ओपन है। और सेम वैसे ही हमने जो सेकंड वाला लिमिट स्विच लिया हुआ है वो हमने फुली क्लोज के लिए लिया हुआ है, और इस ग्लास सिले का यूज़ हम अपने K2 के कंडक्टर को ऑफ करवाने के लिए करेंगे। तो इसमें जो पाथ रहेगा मैनुअल में, जो मैनुअल जैसे हम सेक्टर को मैनुअल कंडीशन में लेके आएंगे तो हमें 11 नंबर से सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी, ये हमारी एमरजेंसी पुश बटन पर जाएगी, जो उसकी जो आउटपुट होगी वो हमारी अप और डाउन का जो हमारा ग्रीन पुश बटन होगा उसके दोनों के कॉमन पर चले जाएगी, यानी कि एनओ पॉइंट पर चले जाएगी। और जो पुश बटन का एनओ पॉइंट होगा उसकी जो आउटपुट होगी उससे हमें सप्लाई जो मिलेगी वो हमारी K2 के कॉमन पे जाएगी, और K2 के एनसी के दूसरे पॉइंट से निकल के वो हमारी ग्लास लेकर कॉमन पे जाके एनसी से निकल के हमारे K1 कंडक्टर को चली जाएगी। और इसी तरह जो डाउन की आउटपुट होगी 7 नंबर वो हमारी K1 के कॉमन पे चली जाएगी, उसके दूसरे पॉइंट से जो आउटपुट निकलेगी वो 18 नंबर रहेगी, वो जो 18 नंबर हमारी ग्लास सेलर 2, ये जो हमारी ग्लास सेलर 2 है इसके कॉमन पे जाएगी, और उसकी जो आउटपुट होगी एनसी से वो हमारे K2 के A1 पे चली जाएगी। अब इन कंडीशन में होगा क्या कि जब 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 हम इस पुश बटन को ऑन करेंगे तो हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, जब ये हमारा कॉन्टैक्ट एक्टिवेट रहेगा तो हमारा जो K1 का जो मैंने यहाँ पे एनसी लिया हुआ ये हमारा NO बन जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगी, हम अगर कोई गलती से डाउन का पुश बटन भी दबा देता है तो हमारा K2 जो कॉन्टैक्टर वो एक्टिवेट नहीं होगा। वो कब तक नहीं होगा, जब तक हम अपने K1 के कॉन्टैक्टर को डीएक्टिवेट नहीं कर देते तब तक हमारा K2 का कॉन्टैक्ट एक्टिवेट नहीं होगा। और इसी तरह जो लिमिट स्विच का हमने लिमिट स्विच से हमने K1 का कॉन्टैक्टर रिले ले ली हुई है, जो R1 का पॉइंट मैंने ये GR1 के रूप में लिया हुआ, यानी कि जब जब मेरा GR1 ऑन होगा तो इसका जो हमने कॉमन एनसी लिया हुआ ये हमारा NO बन जाएगा, उस कंडीशन में हमारा K1 कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। और वैसे ही R2 की कंडीशन में भी हमारा जो लोअर लिमिट स्विच रहेगा उस कंडीशन में भी हमारा GR2 अगर ऑन हो जाता है तो यहाँ पे ये NO बन जाएगा, और उस कंडीशन में हमारा K2 कॉन्टैक्टर किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा। दोस्तों इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉरवर्ड रिवर्स का कोई स्टार्टर बनाओगे तो उसमें हमेशा आपने K1 K2 की इंटरलॉकिंग लेनी है,
यानी कि जो K1 की सप्लाई होगी वो K2 के NC से निकल के आपके A1 पे जाएगी, और वैसे ही जो K2 के A1 पे सप्लाई जा रही है वो हमेशा हमारे K1 के कॉमन पे जाके उसके NC से निकल के हमारे K2 के A1 पॉइंट पे जाएगी। और उसी तरह हमने एक ओवरलोड ट्रिप भी ले ली हुई है कि जब जो मेरा ओवरलोड ट्रिप करेगा, क्योंकि दोनों कॉमन सेम है ओवरलोड का, तो अगर हमारी ओवरलोड ट्रिप होती है तो हमारा ये इंडिकेशन यहाँ से ऑन हो जाएगा और ये सिस्टम यहाँ से बंद हो जाएगा। दोस्तों ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये हमारा ऑल रिमोट सिग्नल ऑपरेटेड ऑन 24 DC सप्लाई, यानी कि जो मैंने आपको पहले ड्राइंग दिखाई थी, ये जो हमारा पार्ट है इस पर आप रिले देख लो, R5 R4 R4 R5 इसमें भी आपस में इंटरलॉकिंग ली हुई है, ठीक है ना। तो ये आप ये R5 जो आपने ये R5 लिया हुआ, ये R4 लिया हुआ, ये किन कंडीशन में लिया है कि वहाँ से जो अप से मुझे जो सिग्नल आएगा उसके थ्रू मेरी R4 ऑन होगी। तो जैसे मेरी R4 ऑन होगी तो ये सिस्टम कट जाएगा, दोस्तों ये हमारा जो आपने जैसे इस ड्राइंग में आप देख रहे हो कि हमने एक सिस्टम मेनू चला दिया, अगर मुझे ऑटो कंडीशन में चलाना है तो इसका जो डायग्राम है ये कैसे ऑपरेट हो रहा है वो हमारे इस यहाँ से पता लगेगा। जैसे कि मैंने ये टर्मिनल ले लिए, ये जो अप की कमांड डाउन की कमांड 0 वोल्ट 24 वोल्ट कंट्रोल, ये सीधा हमारे PLC में जाएंगे, यानी कि ये जो सिस्टम है ये हमारी PLC की इनपुट रहेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये दो जो 0 वोल्ट 24 वोल्ट है ये हमें वहाँ से पावर सप्लाई से मिलेंगे जो किसी दूसरे पैनल में लगी होगी, और जो अप की कमांड और डाउन की कमांड है वो PLC की आउटपुट होगी। अब होगा क्या कि जब हम वहाँ से PLC की कमांड आएगी अप की कि हमने सिस्टम अप करना है, तो जैसे ही वो वहाँ से ऑपरेट होगा जो PLC से हमें अप की कमांड आएगी वो आती हुई हमारी R4 को ऑन करवा देगी। जैसे मेरा R4 होगा तो ये जो सिग्नल है 220 का वो R4 के कॉमन से निकल के R5 के NC से निकल के जो R3 मेरा ये ले रखी है, जैसे हम सेक्टर ऑन करेंगे तो ये R3 मेरी एक्टिवेट हो जाएगी, होती हुई हमारी इस कमांड में जाके हमारे K1 को ऑन करवा देगी। और सेम ऐसे ही जो हमारी डाउन की कमांड होगी जो ये आ रही है, डाउन कमांड को जैसी सप्लाई मिलेगी वो हमारी R5 ऑन करवाएगा, और जैसे मेरा R5 ऑन होगा ये R4 से होता हुआ, ये R4 से सप्लाई होते हुए मेरी रिवर्स की कमांड को चला देगा। और वैसे ही जैसे मेरा R3 ऑन होगा, ये हमारा R3 ऑन होगा तो R3 से 24 वोल्ट घूम के हमारे कंट्रोल ऑन का एक सिग्नल PLC को चला जाएगा। वैसे ही जैसे मेरा C1 ऑन होगा यानी मेरा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा फॉरवर्ड का, तो फॉरवर्ड से 24 वोल्ट घूम के हमारे आपका सिग्नल चला जाएगा। वैसे ही K2 के लिए हमारा डाउन का सिग्नल चला जाएगा, वैसे ही R1 जो हमने लिमिट स्विच के लिए लिया हुआ है रिवर्स के लिए अपर के लिए, तो उससे तो हमारा फुली ओपन का सिग्नल चला जाएगा, और वैसे ही रिवर्स के लिए हमारा रिवर्स का सिस्टम चला जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।